वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्चून। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका आईसीसी वर्ल्ड कप मैच जो खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11, क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम्स रहने वाली है, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फैंटेसी फॉर्चून के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन पिन कर दूंगा, उसी के थ्रू जुड़िएगा। सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेक चैनल काफी सारे हमारे नाम के, रेगुलर वीडियोज आपके लिए आ रही है। सो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बात करते हैं वेन्यू की। सो वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। अभी तक यहां पर जो 25 मैचेस खेले गए हैं उसमें से बैटिंग जो पहले करती है उनको फायदा रहा है क्योंकि उन्होंने 14 बार मैचेस जीते हैं और जो एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर है वो 256 का रहा है। अब देखो ग्राउंड है छोटा और यहां पर वर्ल्ड कप में जो दो साउथ अफ्रीका के मैचेस इस टूर्नामेंट में हुए हैं उसमें लगभग जो है साउथ अफ्रीका ने 400 रन का जो है स्कोर खड़ा किया है दोनों ही मैच में। तो काफी हाई स्कोरिंग वेन्यू हो सकता है, स्पेशली अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग कर जाती है। तो टीम इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो 325 का स्कोर जो है मुझे लगता है इंडिया क्रॉस कर लेगी। वहीं अगर बात करें यहां पर श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करती है तो 260 रन तक का स्कोर मुझे लगता है श्रीलंका को भी खड़ा कर लेना चाहिए। बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। तो इंडिया की तरफ से कोई खास चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, हार्दिक पांड्या की इंजरी की अभी कोई अपडेट नहीं है तो ये वाला मैच भी मिस करते हुए नजर आएंगे। तो सूर्य कुमार के साथ कंटिन्यू करेगी टीम, बाकी और कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पे बात कर लेते हैं श्रीलंका की तरफ से। अब देखो यहां पर एक चेंज हो सकता है, वेला लागे जो इंडिया के अगेंस्ट अच्छा करके गए थे एशिया कप में उनको टीम वापस ला सकती है अगर उनको लाना चाहे तो। यहां पर चमीरा की जगह लाया जा सकता है अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहती है, अदरवाइज यहां से भी कोई खास चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस मैच में होने वाला है ₹1,00,000 का फ्री गिव अवे, डेली फ्री गिव अवे हो रहे हैं और कोई जीएसटी नहीं है डिपॉजिट पर विजन 11 ऐप पे। सो अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो इवन ग्रैंड लीग खेलते हो तो आप विजन 11 पे खेल सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्चून रेफर कोड है FORTUNE, इसके थ्रू डाउनलोड कर लो, आपको साइन अप बोनस भी आपको मिल जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं टीम इंडिया की। सो रोहित शर्मा ओपन करेंगे शुभमन गिल के साथ। अब देखो यहां पर जो है होम ग्राउंड है वैसे यहां पर रोहित शर्मा का और जैसा चल रहा है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन सकते हैं तो काफी अच्छे फॉर्म में है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस है स्पेशली चेजिंग के टाइम पर, चेजिंग में ज्यादा अच्छा करते हैं। लेकिन एक चीज देखने वाली है कि इस वेन्यू पे बहुत अच्छे नंबर नहीं है, 3 मैच में 46 ही रन करें लेकिन हेड टू हेड में अच्छे नंबर है, बट स्टिल एक कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहते हैं। शुभमन गिल की बात करें रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है इस वेन्यू में, एक मैच में जो है 20 रन है, हेड टू हेड में भी जो है हेड टू हेड में शानदार नंबर है, 63 के एवरेज से रन बनाए हैं, तो एक आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बन सकते हैं। फिर आएंगे विराट कोहली, लास्ट मैच में आते ही आउट हो गए थे लेकिन हेड टू हेड में शानदार 62 का औसत है, वेन्यू पे 53 का औसत है। भाई श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना पसंद करता है विराट कोहली तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन की ऑब्वियस चॉइस बन जाते हैं। फिर आएंगे यहाँ पर श्रेयस अय्यर। देखो श्रेयस अय्यर का वेन्यू में एक मैच में 4 रन है, हेड टू हेड में बढ़िया 42 के औसत से रन बनाते हैं। अब इनकी ना प्लेस भी थोड़ी खतरे में आ रही है क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है श्रेयस अय्यर की, लेकिन श्रेयस अय्यर वानखेड़े स्टेडियम में बहुत मैचेस खेले हैं तो यहां पर इन्हें खेलने का एक्सपीरियंस है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक आपके लिए अच्छी रिस्की पिक बन सकती है, रिस्क लेना चाहते हैं तो ही रखिएगा क्योंकि शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट फंस रहे हैं। फिर आएंगे केएल राहुल, आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट देते हैं और जब जब बैटिंग से मौका मिलता है तो आपको रन बनाकर दे देते हैं, लगभग हर मैच में इनके रन आ रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक अच्छी चॉइस रहेगी, चेजिंग के टाइम पे एक बार को ड्रॉप किया जा सकता है। सूर्य कुमार यादव इवन दो वानखेड़े में काफी अच्छा कर सकते हैं लेकिन बैटिंग आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। रविंद्र जडेजा यहां पर जो है वेन्यू पे 3 मैच में 4 विकेट है, हेड टू हेड में भी 27 में 27 है तो एक आधा विकेट जरूर ले लेंगे और प्लस आपको कैच या अगर बैटिंग आ गई तो उससे भी पॉइंट दे देते हैं तो एक अच्छे पिक बनते हैं। मोहम्मद शमी तो मस्ट हैव पिक रहने वाले हैं, वेन्यू पे 2 मैच में 3 विकेट, हेड टू हेड 5 मैच में 6 विकेट, इस वर्ल्ड कप में 2 मैच में 9 विकेट, तो भाई इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस रहने वाले हैं। फिर यहां पर आएंगे कुलदीप यादव, 10 मैच में 18 विकेट हैं, यहां पर जो है श्रीलंका के अगेंस्ट वेन्यू पे 3 मैच में 2 विकेट, लगभग हर मैच में 1 से 2 विकेट निकाल जाते हैं, इस मैच में भी निकाल लेंगे तो एक अच्छी पिक आपके लिए बन जाएगी। यहां पर सिराज इस मैच के लिए डिफरेंशियल पिक साबित हो सकते हैं क्योंकि शमी, कुलदीप यादव और बुमराह मैक्सिमम लोग लेकर आएंगे, सिराज को ड्रॉप कर सकते हैं लेकिन सिराज का ना हेड टू हेड में भी अच्छा रिकॉर्ड है, एशिया का फाइनल में जड़ी लगा दी थी श्रीलंका की और वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है, 1 मैच में 3 विकेट है तो आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं इस मैच में।
जसप्रीत बुमराह तो मस्ट हैव पिक रहते ही है, 12 मैच 25 विकेट है यहाँ पर हेड टू हेड में, वेन्यू पे 2 मैच में 1 विकेट, जब से कम बैक हुआ है विकेटलेस नहीं जाते हैं, हर मैच में 1-2 विकेट रहता ही है, तो अच्छी चॉइस है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन की भी। बात कर लेते हैं डेथ बॉलर्स की, सो बुमराह और सिराज है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें, टॉप थ्री इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है, जडेजा है, शमी है, बुमराह और कुलदीप यादव काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं श्रीलंका की तरफ से, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, रेगुलर वीडियो आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। श्रीलंका की तरफ से निशंका ओपन करेंगे, रिसेंटली 3-4 मैचेस में लगातार अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस वेन्यू पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड, इस हेड टू हेड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 3 मैच में 80 रन है, बट स्टार्ट मिल रहा है तो एक अच्छी पिक आपके लिए बन सकती है। फिर आएंगे यहाँ पर करुणारत्ने, करुणारत्ने का इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, रिसेंट फॉर्म भी खराब है, तो बट ओपन करते हैं तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पर आए हैं कुशल मेंडिस, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं और इस टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी भी आप कह सकते हैं, हेड टू हेड में लेकिन बहुत अच्छे नंबर नहीं है, 20 का ही औसत है, बट वन डाउन खेलते हैं और विकेट कीपिंग करते हैं तो एक आपके लिए सेफ पिक जरूर बन जाते हैं। समारा विक्रमा मुझे लगता है अच्छा कर सकते हैं, ये खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, अच्छे टच में नजर आ रहा है, ये खिलाड़ी को आप स्मॉल लीग में कंसीडर कर सकते हैं, सिलेक्शन इनका कम होगा तो आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। चरिता श्रीलंका सरप्राइज कर सकते हैं इस मैच में, मुझे लगता है हेड टू हेड में ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 20 का औसत है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको दे सकते हैं फैंटेसी के, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। धनंजय डिसिल्वा वर्ल्ड कप बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, 8 मैच में हेड टू हेड में भी 4 विकेट है, ट्राई कर सकते हो क्योंकि ऑलराउंडर है बट उतनी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है। फिर आएंगे एंजेलो मैथ्यूज, अच्छा ऑलराउंडर है, कुछ आपको ओवर्स भी करके देगा, प्लस जो है इंडिया के अगेंस्ट अच्छा भी कर सकता है, मुझे लगता है एक अच्छी पिक आपके लिए स्मॉल लीग में बन जाएंगे एंजेलो मैथ्यूज। फिर इनका आएगा बॉलिंग अटैक, देखो चमीरा है, 5 मैच में 2 विकेट है, ज्यादा अच्छा नहीं किया, लेकिन लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर लेते हैं, डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई किए जा सकते हैं। तीक्षण है, एक हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट, रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है, एक्सपेक्टेड था कि अच्छा करेंगे लेकिन इतना अच्छा कर नहीं रहे, लगभग 1-2 विकेट निकालते हैं, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। रजिता है, हेड टू हेड में 6 मैच में 8 विकेट है, इस खिलाड़ी को आप चाहो तो स्मॉल लीग में कंसीडर कर सकते हैं। फिर यहां पर मधुशंका, इस टीम के जो है बेस्ट बॉलर आप कह सकते हैं आज की डेट में, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे, अगर श्रीलंका की पहले बॉलिंग आ जाती है तो विकेट लेस तो नहीं जाने वाले हैं मधुशंका। बात करते हैं डेथ बॉलिंग की, तो मधुशंका है और यहाँ पर रजिता है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो निशंका है, मेंडिस है, समा विक्रमा है, मैथ्यूज और मधुशंका। बात कर लेते हैं इस मैच की मेरी प्रेडिक्शंस की, तो मेरे हिसाब से विराट कोहली 50 प्लस का स्कोर इस मैच में करने वाले हैं, बुमराह मुझे लगता है 2 विकेट तो मिनिमम इस मैच में निकाल लेंगे, समा विक्रमा जो है वो रन्स करेंगे, मुझे लगता है 30 प्लस का स्कोर समा विक्रमा को कर लेना चाहिए, मधुशंका जो है विकेट लेस नहीं जाएंगे, मुझे लगता है विकेट निकाल लेंगे स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। यहां पर मैथ्यूज मुझे लगता है ओवरऑल बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग से मिला मुलू के 40 से ज्यादा पॉइंट्स आपको इस मैच में देते हुए नजर आ सकते हैं। सिराज जो है इस मैच में मुझे नहीं लगता विकेट लेस जाएंगे, विकेट डेफिनेटली निकालने वाले हैं मोहम्मद सिराज। शमी जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपनी फॉर्म जो है कंटिन्यू करेंगे और 2 से ज्यादा विकेट उन्हें निकालने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। और अगर बात करें टीम कौन सी जीतने वाली है, तो डेफिनेटली टीम इंडिया मैच आपको विन करती हुई नजर आ जाएगी। चलिए अब क्रिएट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग। सेक्शन में मेंडिस का ऑप्शन है, केएल राहुल है, समा विक्रमा है, अभी के लिए मेंडिस को रखा है सेफर साइड के लिए, लेकिन अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो केएल राहुल काफी अच्छे पिक बन जाएंगे और समा विक्रमा जो है वो आपके लिए एक रिस्की पिक बन सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में टॉप थ्री इंडिया का रख लिया है, यहाँ पर आप निशंका को रख सकते हैं, श्रेयस अय्यर को ट्राई किया जा सकता है, बाकी को ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हैं। ऑलराउंडर में हमने मैथ्यूज को लिया और रविंद्र जडेजा को रखा है। बॉलिंग सेक्शन में बुमराह को लिया है, शमी को लिया है, यहाँ पर जो है हमने कुलदीप यादव, मधुशंका को लिया है और सिराज को भी हमने इस टीम में रखा है। तो ये बन जाती है हमारी स्मॉल लीग की टीम, 1 से 2 चेंज डेफिनेटली होंगे क्योंकि टॉस काफी क्रूशियल हो जाता है। तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन जो है मैंने विराट कोहली को किया है, वाइस कैप्टन जो है मैंने यहाँ पर मोहम्मद शमी को किया है। आप चाहें तो रोहित या शुभमन गिल या फिर जसप्रीत बुमराह को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग टीम्स की, सो 2 टीम्स क्रिएट करी है मैंने आपके लिए। टीम वन की बात करें, सो मोहम्मद शमी को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन जो है सिराज को किया है। टीम टू की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा को कैप्टन किया और शुभमन गिल को वाइस कैप्टन किया हुआ है। तो आप इसी तरीके से मल्टीपल टीम्स क्रिएट कर सकते हैं और किसी एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस कल कौन देने वाला है। साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइस।